हेलो दोस्तों, वेलकम टू यास्मिन्स किचन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल और इजी पास्ता की रेसिपी, जिसे कम चीजों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 200 ग्राम जैसा स्पिरल शेप का पास्ता, बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट, पास्ता मसाला, विनेगर और सोया सॉस। तो अब यहाँ हम सबसे पहले पास्ता को बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में पास्ता से 2 गुना ज़्यादा पानी ले लिया है। अब हम पास्ता को अंदर से नमकीन बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जैसा नमक और फिर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जैसा हल्दी पाउडर। हल्दी और नमक डाल लेने के बाद अब इसमें डाल देंगे वॉश किए हुए पास्ता और अब हम इसे चम्मच से पानी में अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ जब तक हमारी पास्ता बॉईल हो रही है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जैसा भरकर सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए हरी मिर्च, फिर डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और इसे हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज हल्की गोल्डन कलर की ना हो जाए। और हम प्याज को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे से जले या चिपके ना। और यहाँ प्याज हल्के सुनहरी कलर की हो जाने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे प्याज में अच्छे से मिला लेंगे और इसे 2 मिनट जैसा मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, जिससे हमारी अदरक और लहसुन की पानी जल जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अदरक और लहसुन को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्च। आप चाहे तो इसके साथ गाजर, बीन्स और मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ टमाटर और शिमला मिर्च को बाकी के मसालों में अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जैसा नमक। नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे क्योंकि हमने पास्ता बॉईल करते हुए भी नमक डाला है। फिर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जैसा जीरा पाउडर, फिर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जैसा धनिया पाउडर, फिर डालेंगे इसमें पास्ता मसाला। और अगर आपके पास पास्ता मसाला ना हो तो आप इसके जगह पर चिकन मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। पास्ता मसाला को भी हम बाकी के सब्जी और मसालों में अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियों को अच्छे से मिला लेने के बाद पास्ता में एक अच्छे कलर के लिए डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब लाल मिर्च को सब्जियों में अच्छे से मिला लेने के बाद इन सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले या चिपके ना। और जब तक हम दूसरी तरफ पास्ता चेक कर लेते हैं कि पास्ता गली है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी पास्ता हमें जैसी चाहिए थी बिल्कुल वैसे पक चुकी है और यहाँ पर हमारे मसाले नीचे से चिपक रहे हैं, तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं कि मसालों से तेल भी रिलीज होने लगी है। फिर अब इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। पास्ता डाल लेने के बाद अब हम इसमें हल्का ब्लैकिश कलर के लिए डालेंगे 2 छोटी चम्मच भरकर सोया सॉस और फिर पास्ते में हल्का खट्टापन के लिए डाल देंगे विनेगर। मैंने यहाँ पर बस 1/2 छोटी चम्मच जैसा ही विनेगर का यूज किया है। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पास्ता का टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाता है। और लास्ट में अच्छे टेस्ट और स्मेल के लिए डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जैसा गरम मसाला पाउडर। और अब सारे मसालों को पास्ता में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता को सब्जियों में मिला लेने के बाद इसे हम लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक मसालों का टेस्ट पास्ता में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारी पास्ता ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारी पास्ता दिखने में कितनी ज्यादा डिलीशियस है और यकीन मानिए ये खाने में इससे भी ज्यादा टेस्टी है। और आप इस पास्ता की रेसिपी को शाम के वक्त एज ए स्नैक सर्व कर सकते हैं, जो कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें।